हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज की तारीख है 1 फरवरी और मंडे का दिन है आज। और अभी जो टाइम हो रहा है 10:02 हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो बजट सेशन चल रहा है उसके बीच में मैंने एक ट्रेडिंग ट्रेड एग्जीक्यूट किया हूँ, ठीक है। हालांकि काफ़ी वॉलेटाइल होने वाला है मार्केट। वॉलेटाइल इन द सेंस कि मार्केट की डायरेक्शंस किस तरफ को होगी वो बहुत कहना मुश्किल हो जाता है। टेक्निकल्स मोस्टली काम नहीं करते आज के दिन समटाइम्स। तो फिर भी हमने एक ट्रेड को, और हमें जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट आप करो उसको ऐसा होता है कि उसको जितना हो सके उतना नीचे से खरीदो और स्टॉप लॉस ऐसी जगह पे रखो जैसे कि डे लो या तो इम्पोर्टेंट लेवल पे, भले ही स्टॉप लॉस कितना भी बड़ा हो क्यों ना हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ट्रेड लिया था, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जो ट्रेड मैंने लिया हुआ है टीवीएस मोटर को, एग्जैक्टली कल के जो डे लो पे है उसके आसपास वो मैंने उठाया हुआ है, और कल का जो डे लो है उसको मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ है। तो ये मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि ये स्टॉप लॉस को हिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी नीचे वाला स्टॉप लॉस है एज़ पर द स्ट्रक्चर जो उसका बना हुआ है। तो एक्चुअली ये नीचे ही गिरने वाला है मोस्टली, बट कैसा अभी जैसा ये यहाँ से आया हुआ है, ठीक है, तो ये इसको गिरना है तो ये एटलीस्ट इतना यहाँ पे जाकर के गिरेगा। इसका जो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया है इस जोन में इसका रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। इसको मैं शॉर्ट करने के लिए ही निकाला था एक्चुअली, मैं शॉर्ट इस और इसको मैं यहाँ से कहीं शॉर्ट करने वाला था और इसकी ओपनिंग नीचे हो गई। अगर ये गैप अप ओपन होके यहाँ तक आता तो इसकी रेजिस्टेंस से मैं इसको शॉर्ट कर देता, बट हुआ यूँ कि ये अपने कल के जो डे लो है उसके आसपास खुल के सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। तो बस उसको मैं ध्यान में रखते हुए मैं उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही आपको उठाना पड़ेगा। अगर आपको सेल करना है तो रेजिस्टेंस से, और बाई करना है तो आपको सपोर्ट से ही बाई करना पड़ेगा इस मार्केट में, ठीक है। और क्योंकि स्टॉप लॉस में छोटा हो जाता है और तो स्टॉप लॉस हिट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सपोर्ट पे होता है ना, तो सपोर्ट काफ़ी नीचे होते हैं, तो सपोर्ट पे ही आपको ये करना होता है बाय, ठीक है। तो और रेजिस्टेंस से सेल करना होता है, तो रेजिस्टेंस इसका यहाँ पड़ा हुआ है इसलिए 580 के आसपास। तो यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ से इसको शॉर्ट करने वाला था, अगर यहाँ तक चला जाता है ये, ठीक है, तो मैं इसको फिर शॉर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ एक स्टॉक में। तो एक ट्रेड मेरा हो जाएगा अगर से यहाँ तक ये चला जाता है, या तो इससे पहले अगर रिवर्स हो जाता है तो उसको छोड़ दूंगा। फिलहाल यहाँ पर मैंने पोजिशन बनाई है, 556.10 पैसे पर एंट्री ली है मैंने, और 551.85 का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। और जो टारगेट प्लेस किया हुआ है वो किया हुआ है 579.85, ठीक है। अगर ये बजट का डे नहीं होता तो आराम से ये चला जाता है इसके रेजिस्टेंस पे, तो बजट डे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा मार्केट में, ठीक है। तो अभी मैं इसको वेट करूंगा, और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड है इसलिए रिस्क कम था इसलिए मैंने ले लिया। इसके अंदर 500 रुपीज़ का ही रिस्क ले रहा हूँ इसके अंदर यहाँ पे, तो 500 रुपीज़ का मैं यहाँ पे रिस्क लेके आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। छोटा अगर आपको लगे कि कोई ट्रेड मिल रहा है तो आप छोटा सा रिस्क लेके कर सकते हैं, बड़ा रिस्क यहाँ पे नहीं ले सकते आज। तो एक छोटा सा रिस्क लिया हूँ, एक ही ट्रेड लूँगा फिलहाल, कोई ट्रेड नहीं लूँगा मैं आज। एक सेटअप देख रहा था इसलिए मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और इसके साथ साथ वीडियो भी बना रहा हूँ आपको, ताकि एक बजट डे पे किस तरह से मार्केट वर्क करता है वो भी एक आपके फोकस में रहे। निफ्टी को अगर देखें निफ्टी नीचे गिरकर फिर पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा, मतलब मार्केट मोस्टली इस तरह से वर्कआउट होने वाला है शायद से। तो देखते हैं, फिलहाल हमारी पोजीशन बनी हुई है, हमारी एंट्री पॉइंट के प्राइस के पास आसपास आ रही है। एक बार यहाँ पे आए और यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो ऊपर जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं पोजीशन हमारी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, टीवीएस मोटर में मैंने अपने टारगेट को रिवाइज करके इस वाली जगह पे प्लेस कर दिया था 572.50, और हम यहाँ से इससे एग्ज़िट हो चुके हैं। इसके दो तीन रीज़न है फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया, ठीक है। पहले रीज़न कि यहाँ से जब एक्चुअली इसका ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है पूरा का पूरा, ठीक है, एक रेजिस्टेंस जोन है ये, और प्लस देखिए ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है, और ये दूसरा इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 हमें मिल चुका था, ठीक है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन है
यहाँ पे एक्चुअली इसको यहाँ तक जाना चाहिए और ये इस जोन तक जाएगा, चांसेस है इसके जाने के, बट जस्ट बिकॉज आज बजट डे है, मतलब बजट का दिन है, इसलिए जस्ट उसलिए मैंने एग्जिट करना ही बेटर समझा, वरना मैं अपने ये पूरा टारगेट के लिए वेट करता, क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव जाएगा ऊपर, 70% चांसेस है इसके जाने के, लेकिन जस्ट रिस्क नहीं लेना चाहता था आज। वैसे आज ट्रेड करने वाला ही नहीं था मैं, पर ट्रेड ले लिया था एक, और ये ट्रेड सिंपल 500 के स्टॉप लॉस के साथ ही एग्जीक्यूट किया था मैंने, एक ही ट्रेड था मेरा, और इसलिए यहाँ पे एग्जिट किया है क्योंकि यहाँ पे जब ये गिरा थोड़ा सा होल्ड किया था, तो यहाँ से गिरा है तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा था, इसलिए अगर ये इसको तोड़ते हुए निकल जाता तो मैं रुकता, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा रिएक्ट, यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है ये, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे एग्जिट ले लिया है, क्योंकि वन आपको यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेश्यो दिखा देता हूँ मैं, इसका जो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेश्यो मिल चुका है वो अच्छा खासा मिल चुका है। देखिए यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ, सॉरी ये मेरी जो एंट्री थी, यहाँ से 1:4 के आस, 1:4 का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेश्यो मिल चुका है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, और इसलिए मैंने इसके अंदर एग्जिट ही बना लिया है, ठीक है। और आपको पोजीशन बुक दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से जो मेरी पोजीशन बुक है आप देख सकते हो, ये रहा नेट पोजीशन, आप मेरे ऑर्डर्स भी देख सकते हैं पहला, कि मेरा आज कोई ट्रेड नहीं, सिर्फ दो ही ट्रेड थे, देखिए दो ही ट्रेड थे मेरे, कोई खास ट्रेड नहीं था, एक दो ही ट्रेड थे जिसको मैंने 130 क्वांटिटी 556.10 और 572.50 पे ये मैंने अपना ये कर दिया एग्जिट, और यहाँ पे जो ऑर्डर्स दूसरा ऑर्डर्स दिख रहे हैं कैंसिल किया हुआ ऑर्डर भी देख सकते हैं आप, जो मेरा स्टॉप लॉस था उसको मैंने कैंसिल कर दिया था यहाँ पे 551.85 का, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको नेट पोजीशन दिखा दूँ मैं इसमें, तो कुल मिलाकर के हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 2000 रुपीज़ के आसपास का, 2100 यानी कि 500 रुपीज़ पे हमें यहाँ पे 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया, क्योंकि 1:4 इज़ इनफ फॉर द डे, आज के लिए बहुत हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन दे रहा था और प्लस बजट डे है, अगर बजट का डे नहीं होता और थोड़ा सा अच्छे से कंफर्टेबली हम वेट करते अपने टारगेट के लिए, ये रिट्रेस करके जाने के चांसेस हैं। इसका एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पड़ा हुआ है, अब ये यहीं से रिएक्शन दे रहा है, तो मैं यहाँ से एग्जिट लेना ही समझा बेटर। और थोड़ा सा आपको ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट क्यों किया था। सो फ्रेंड्स, तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ये डेली चार्ट देखिए इसका, इसको मैं एक्चुअली मैं जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया, इसको मैं शॉर्ट करने के लिए निकाला था, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे एक बहुत ज़्यादा बड़ी वीक वाली कैंडल बनी है, ठीक है, प्राइस में रिजेक्शन दिखाया है यहाँ से, ठीक है, अच्छा खासा रिजेक्शन दिखाया है, बट ये अपने सपोर्ट जोन मतलब कल का जो डे लो है उसके आसपास ओपन हुआ था, इसलिए इसके मैंने इसको बाय किया, इसको मैं सेल करता अगर ये यहाँ पे कहीं जाके मतलब रिएक्शन करता ऐसे खुल के तो ऐसे जाता, तो उसको शॉर्ट करने के लिए मैं देख रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली, ये नीचे खुला मीन्स यहाँ खुला, तो इस तरह का ये बिहेवियर कर रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एग्जिट किया, एग्जीक्यूट किया इस ट्रेड को, और बहुत सिंपल लॉजिक था इसके अंदर, कल का देख वॉल्यूम भी देख सकते हैं, इसको सेलेक्ट करने का मेरा रीज़न ये था कि इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है, ठीक है, और एक हाई पे चल रहा है स्टॉक, ठीक है, मार्केट तो वीक है पर आज मार्केट पॉजिटिव दिख रहा था, इसलिए इस स्टॉक को मैंने प्रेफर किया अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो बहुत सिंपल 1:4 का ट्रेड आपके सामने मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्या लॉजिक्स थे, और हमने ये ट्रेड ले लिया है, और आपको यहाँ से पोजीशन बुक भी आप देख सकते हैं, सिंपल कोई परेशानी नहीं, ओनली ऑन आप देख सकते हैं कितना 2000 रुपीज़ का इसमें हमारा बेनिफिट हुआ है, इसमें कोई फंड भी मेरे अकाउंट में ज़्यादा है नहीं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ से 4000 का ही कैपिटल इसमें यूज़ हुआ था, यानी कि 50% रिटर्न आप कैपिटल पे इसको बोल सकते हैं, सिर्फ 50% रिटर्न हमारा कैपिटल पे बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो भी मैंने ट्रेड एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।